नमस्कार आप सभी जीबीटी साथियों को। मैं अभिषेक ठाकुर। आज जैसे कि अभी हमने कुछ एक मीटिंग्स की हैं परसों, जैसे कि जो जजमेंट आई है उसके बिहाफ में, तो जो भी अभी हमारा निष्कर्ष निकला है मीटिंग्स के दौरान, वही आप लोगों को सभी को डायरेक्शन दी जाएगी यहाँ पे कि आगे हमने करना क्या है। उसके बाद हमारी क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी, वो भी आपको समय समय पर बताया जाएगा। सबसे पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को, इस फेसबुक वीडियो यूनियन पेज से भी जो हम अभी लाइव आए हैं, इस वीडियो को आप सभी जगह सभी ग्रुप्स में या और भी जो डाइट्स के या प्राइवेट कॉलेज के जो ग्रुप्स बने हैं उन्हें इस वीडियो को उन ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी के लिए हम यहाँ पे डायरेक्शन देना चाहेंगे कि क्या अभी इन फ्यूचर हमने करना है। क्योंकि काफ़ी सारी कॉल्स आ रही हैं, तो सबकी कॉल उठाना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो के बाद आप सभी को जो है कुछ एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएंगे, जिन पे जो है आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि क्या आगे करना है, क्या स्टेप हैं, क्योंकि कुछ एक ही पर्सन्स को कॉल जा रही हैं बार बार, और वो भी सभी की कॉल्स नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। तो अभी 30 सेकेंड सभी का वेट करूंगा मैं, जो भी इस लाइव में जुड़ेंगे हमारे साथ। आपके क्वेश्चंस मैं सर लास्ट में लूंगा, लास्ट के 5 मिनट में। वीडियो शेयर नहीं हुई है सर, काफ़ी कम लोग अभी लाइव सेशन बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया अभी, तो आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप सभी बाकी ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, बाकी भी जो भी नए जुड़ेंगे वो स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है क्लासेस का जो वर्कआउट है, जो सरकारी जो संस्थान है डाइट और प्राइवेट जो संस्थान है हमारे, जहाँ से भी जीबीटी हो रही है, तो सभी से हमारी विनती है कि आप सभी लोग जो है क्लासेस का वर्कआउट स्टार्ट कर दें, क्योंकि क्लासेस का वर्कआउट जब होगा तो सरकार पे जो है प्रेशर पड़ेगा, स्थान है यही उन पे प्रेशर बना देंगे कि बच्चे स्कूल क्लास में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बच्चे जब यूनिफॉर्म में बाहर दिखेंगे तो किसी को भी सही नहीं लगेगा, इसी से काफी प्रेशर यहाँ पे बनेगा। दूसरी बड़ी बात, मैं आज गया था वहां पे, प्रिंसिपल ने वहां पे एक नोटिस जारी किया है बच्चों के लिए कि आप लोग जो हैं अपने एग्जाम दें ढंग से और क्लासेस का बहिष्कार ना करें, इससे जो है उन्हें प्रॉब्लम आएगी। तिकती सी बात है, कोई भी कॉलेज कोई भी संस्थान जो है आपको इस बारे में सपोर्ट नहीं करेगा, सभी जो कोई ना कोई अपने लेवल पे डराने की कोशिश करेंगे कि हम आपके नंबर टीपी में कम लगाएंगे, कोई बोलेंगे हम आपकी अटेंडेंस कम कर देंगे। इस चीज़ से आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर देखो, अगर जेबीटी में बीएड को ही घुसा देना है इन लोगों ने, तो आप लोग जेबीटी कर क्यों रहे हो? फिर आप लोग सिर्फ ये क्वेश्चन खुद से पूछो कि आप जेबीटी की ट्रेनिंग करने ही क्यों आए थे, आप लोगों के पास बीएड का भी रास्ता था। तो इसलिए आप चीज़ ये अपने माइंड में नोट कर लो कि आपको हर कॉलेज वाले जो है डराने की कोशिश करेंगे, चाहे सरकारी संस्थान वाले हैं या कोई और। अब किसी प्रिंसिपल का कोई बच्चा थोड़ी कोई जीबीटी या डीएलएड कर रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं उस चीज़ से, उनको सिर्फ जो है उनको भी सरकार से गवर्नमेंट से ही डायरेक्शन पीछे से आ रही है कि आप अपने बच्चों को डाइट में किसी भी तरह बुलाओ कि उनको बाहर ना बैठने दिया जाए, क्योंकि इस चीज़ से डाइट वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन पे गवर्नमेंट का प्रेशर है। इसलिए वो भी अपनी कोई ना कोई बात कहकर आप लोगों को डाइट का बहिष्कार ना करें। तो ये चीज़ से डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो कि जो फिर आधे जो बच्चे हैं वो क्लास लगा रहे हों, टीपी लगा रहे हों, और आधे जो हैं आप बाहर क्लास के बाहर बहिष्कार कर रहे हो, इस चीज़ से जो है फिर फर्क पड़ेगा। ठीक है, और एक टाइमिंग फिक्स की जाए सभी जगह, हमने कल भी बताया था यहाँ पे 3 घंटे का टाइम रखा जाए, 10 बजे से 1 बजे तक सुबह का टाइम भी सबके लिए
अच्छा है, जो पॉसिबल भी है पहुंचना, 10 बजे से 1 बजे तक जो है आप क्लास का बहिष्कार करें, उसके बाद लेकिन आपने क्लासेस में नहीं जाना है, उसके बाद आप घर जाओ, आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप कुछ भी अपना काम कर सकते हैं। आपसे हम सिर्फ 3 घंटे मांग रहे हैं, साथ में आपने जो यूनिफॉर्म में आना है, क्योंकि यूनिफॉर्म ही हमारी पहचान है। बिना यूनिफॉर्म के आओगे आप तो कोई हमको नहीं पहचान पाएगा कि ये स्टूडेंट्स कौन है, दूर से ये पता चल जाता है यूनिफॉर्म के साथ कि ये जो डीएलएड वाले लोग हैं, और इनको जो है अभी जजमेंट जो आई है उससे जो है राहत इन्हें नहीं मिली है। ये जो इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पे कि आप जो यूनिफॉर्म में आए और आप क्लासेस का यहाँ पे बहिष्कार करें। इसके बाद मैं आना चाहूँगा भी जो काफ़ी जो लोग बोल रहे थे कि अभी अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम अपनी जो है अभी 4 कमेटियाँ भी अलग अलग तरीके से बनाएंगे, जिसमें एक जो है हमारा जो इनसे सीएम जी या ईएम है इनसे मिलने के लिए जाएंगे, तीसरी जो है एक फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम रहने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर रुख करना है इसमें जजमेंट से पहले हमारे पास फंड्स होने चाहिए, तो फंड्स हमें आज से ही स्टार्ट कर देने पड़ेंगे, इसलिए तीसरी कमेटी का काम जो है फंड्स को इकट्ठा करना होगा, और चौथी जो कमेटी है वो जो है क्लासेस का जो वॉकआउट चला है ऑल ओवर द स्टेट, तो वो उस चीज़ पे निगरानी रखेंगे कि कोई भी जो है कोई मिसहैपनिंग ना हो, कोई हुड़दंग ना मचाए। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि सरकार के विरोध में आप लोगों ने कोई भी नारेबाजी अभी नहीं करनी है, हमारे पास सिर्फ एक मौका है कि सरकार हमारे साथ चले, अगर सरकार हमारे साथ चलती है तो आधी लड़ाई हम वैसे भी जीत सकते हैं, तो इसलिए अभी जो है हमें 30 नवंबर को 10 बजे जो है कैबिनेट है शिमला में भी, तो उस दिन जो है सभी को 10 बजे वहाँ पे बुलाया गया है, जो नज़दीक के जैसे सोलन या शिमला डाइट वाले हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे एकत्रित हों, और बाकी जगह से जो है जो लोग हैं कांगड़ा से हैं मंडी से हैं वहाँ से भी जो है आप लोग वहाँ पे मिलने के लिए आएँ, काफ़ी स्ट्रेंथ हमें वहाँ पे चाहिए होगी ताकि जो है हम सरकार पे प्रेशर बिल्ड कर सके। इसलिए 30 नवंबर मंगलवार को 10 बजे जो है आप सचिवालय के बाहर मिले, उस दिन कैबिनेट भी है और उस दिन जो हम अपनी भी जो बात है और अच्छे से रख सकते हैं। और इसके अलावा एनसीटी की बात कर रहे हैं आप लोग कि एनसीटी को हमने चैलेंज नहीं किया हुआ है, मैं आपको बात बता दूं, अभी आप जो जजमेंट अगर उसको ढंग से पढ़ेंगे आप तो उसमें पैरा 3 में लिखा हुआ है क्लियर कि जो जो नोटिफिकेशन थी 28 जून 2018 वाली, जिसको ग्राउंड बनाकर जो है ये लोग बीएड वाले यहाँ पे घुसे हैं, उस चीज़ को हमने ऑलरेडी वहाँ पे क्लेम किया हुआ है, चैलेंज किया हुआ है, लेकिन एनसीटी को हम कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, एनसीटी को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि एनसीटी तो एक्ट बनाती है ना, हम फॉर एग्जांपल हम एचपी सरकार है मान लो, तो हम हिमाचल सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते कि हिमाचल सरकार हो ही नहीं सकती है, आप उसके किसी नोटिफिकेशन को चैलेंज कर सकते हो, हमने उसी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया हुआ है एनसीटी की जो 28 जून 2018 की जो नोटिफिकेशन थी, जिसमें बीएड वालों को जो है जीबीटी में लाने के लिए विचार रखने की बात की गई थी, इसमें जो है उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे चैलेंज किया गया था। अभी जो हमारी लॉयर से भी बात हुई है, यहाँ पे हमें एक रिव्यू डालना पड़ेगा, इसमें पूरा केस फिर से बनेगा कि ये जजमेंट ही गलत है, उस पर जो बेस बनेगा वो बनेगा जो राजस्थान में जो हाई कोर्ट में इस जो नोटिफिकेशन को जो है रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उसको ग्राउंड बनाकर हम यहाँ जो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि जब एक हाई कोर्ट ने जो है उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया तो आप लोगों ने उस नोटिफिकेशन के बेस पर कैसे बीएड वालों को एलिजिबल किया है, तो इसलिए ये हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड रहेगा। उसमें जो है तकरीबन उसमें ये रहता है कि अगर आप रिव्यू सिस्टम रिव्यू यहाँ पे फाइल करते हैं तो डायरेक्टली जो है जो ये जजमेंट है इसके बेस पे जो इन्हें निर्देश दिए गए थे रिजल्ट निकालने के और इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, ये एकदम से रुक जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो इसमें जो है रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट निकलने के बाद जो है बीएड वाले भी इसमें शामिल होंगे और उसके बाद जो है ये रूल्स भी अमेंड कर देंगे, तो इसलिए हमें जो है पहले इसमें रिव्यू भी डालना पड़ेगा, साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जाएगा, क्योंकि दिखती सी बात है जब हमें इस सिस्टम में इस जजमेंट को अगर स्टे लेना है तो वो जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट में ही इस जजमेंट में हमें स्टे मिलेगा, क्योंकि डीबी का फैसला था, डिवीज़न बेंच का फैसला था और इस पे जो है स्टे हाई कोर्ट में नहीं मिलता है। और वैसे भी लॉयर से बारी बात हुई है, उनका कहना ये है कि रिव्यू में वैसे तो केस फिर से जीतने के चांसेस 10 या 20% होते हैं, क्योंकि वैसे जो जजमेंट होती है उसी को जजमेंट को आधार बना के फिर से वो उसी जजमेंट को शो करते हैं,
फाइनल करते हैं, लेकिन फिर भी 10 या 20% चांसेस हैं अभी भी इसमें हाई कोर्ट में, मैं कह रहा हूँ कि उस रिव्यू के माध्यम से उस एनसीटी को जो एक्ट यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट में रद्द किया गया है उसके माध्यम से हम इसको यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। अगर फिर भी यहाँ पे चैलेंज करके इसकी बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमें ये इसका स्टे लेना ही पड़ेगा ताकि जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे शुरू ना हो। बाकी और भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो मैं 2 मिनट में इस वीडियो को भी ख़त्म करूँगा। राजपूत अनूप सर, आप जजमेंट का क्लाउज 3 पढ़ना, मेरे पास पूरी जजमेंट है, आप उसको प्रिंट कीजिएगा। क्लाउज 3 है इसमें पहला 3, उसमें आप क्लियरली पढ़ेगा, लिखा हुआ है इसमें कि जो दे हैव क्लेम डेड वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 NCT एनहांस द स्कोप ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, कि इसमें जो है जो NCT का जो एक्ट था, ये जो स्पेशल जो नोटिफिकेशन थी ये, इसको हमने यहाँ पे क्लेम किया हुआ था NCT के इस नोटिफिकेशन को, क्योंकि यही नोटिफिकेशन जो है इन्हें यहाँ पे मौका दे रही थी BEd वालों को शामिल करने के लिए। और इसके अलावा कुछ और किसी के क्वेरीज हो तो जी सर, पहले हाई कोर्ट में साथ में रिव्यू पिटीशन भी यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी हमें। बाकी अभी बाकियों के लिए ही डायरेक्शन है फिलहाल कि आप 30 नवंबर को 10 बजे सचिवालय को सूचना होगी, जो हमें गाइडलाइंस होंगी वो आपको दी जाएगी, और साथ में जो भी यूनियन के जो भी मेंबर हैं जो बनाए गए थे पहले, उन सभी से दरख्वास्त रहेगी कि सभी जो लोग हैं उन लोगों के लिए कंपलसरी है उस मीटिंग में, उस कैबिनेट के टाइम पे जो हम CM से मिल रहे हैं वहाँ पे आने के लिए सबको कंपल्शन है। सारे जो यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो सभी वहाँ पे आए, और हम थोड़ा सा इसमें रिफॉर्म भी बीच में करते रहेंगे, कुछ नए लोगों को यहाँ पे लेना पड़ेगा जो और भी इस चीज़ के लिए एक्टिव हैं, और इसलिए प्लीज़ आप सभी जो लोग हैं 30 नवंबर को 10 बजे सचिवालय के बाहर ज़रूर मिले। अकाउंट नंबर सर आपको शेयर कर दिया जाएगा, बाकी जो फंडिंग है धीरे धीरे हमें शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है फाइनेंस की है। अगर आपके जेब में आपके पास पैसा है तो हम रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि जितने जल्दी पैसा इकट्ठा होगा, आप अगर आज 1 या 2 दिनों में पैसा इकट्ठा करके दे देते हो तो हम रिव्यू भी फाइल जल्दी कर देंगे। और दूसरी बात पैसों से रिलेटेड मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो भी यूनियन का अकाउंट हम अकाउंट नंबर सेंड करेंगे, हर 2 दिन बाद जो है टोटल अमाउंट का स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर किया जाएगा कि सबको पता चले कि टोटल अमाउंट कितना इकट्ठा हुआ है हमारे पास और कितना कहाँ पे लगा हुआ है। इसलिए ये चीज़ आप क्लियर ध्यान में रखें कि पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। हर 2 दिन बाद जो है आपको टोटल अमाउंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाया करेगा, जो भी हमारे फाइनेंस देखेंगे। उस चीज़ के पीछे किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आपका पैसा सेफ है या नहीं है, हर 2 दिन बाद जो है आपको उस चीज़ का मिल जाया करेगा। बाकी सभी से भी मेरी दरख्वास्त है, चाहे वो JBT खुद कर रहे हो या उनके बच्चे JBT कर रहे हो या उनके भाई बहन या कोई वाइफ किसी की JBT कर रहे हो, आप सभी लोग सपोर्ट करें फाइनेंशली भी, क्योंकि अब हाई कोर्ट की बात नहीं है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मिनिमम जो है हमें 10 लाख तो उतना इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि 7-8 लाख हम यहाँ पे भी गंवा चुके हैं हाई कोर्ट में, तो दिखती सी बात है सुप्रीम कोर्ट में जो है इतने से बात नहीं बनेगी। हमें सुप्रीम कोर्ट में जो है और भी अभी जब लॉयर करने हैं तो उनमें उनको हमें जो है पहले ही पैसा देना पड़ेगा। पहले हाई कोर्ट में यहाँ क्या होता था कि पैसा हम हेयरिंग के हिसाब से दे रहे हैं या आहिस्ते पैसा दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो है जैसे ये पहली हेयरिंग होती है वही मेन होती है, वही जो हेयरिंग होती स्टे के लिए जो हेयरिंग होगी पहली, उसी के लिए जो है वकील 5 या 6 लाख डिमांड कर देगा, और अभी हमारे लॉयर से बात भी चली है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, जल्दी आपको बता दिया जाएगा। पर प्लीज़ आप मिनिमम 500 जो डाइट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करें, और बाकी जो JBT कर चुके हैं, जो DLED कर चुके हैं, वो 1000 तक सभी कंट्रीब्यूट करें, तभी इतनी बड़ी रकम हमारे पास जल्दी इकट्ठा हो सकती है, तभी जो है हम हाई कोर्ट में भी रिव्यू फाइल कर सकते हैं, और तभी जो है हम स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी कुछ आपकी और क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ क्वेश्चन रखिएगा यहाँ पे।
रवि शर्मा जी, मैंने आपको एस्टिमेट बता दिया, मिनिमम 10 लाख लेके चलो आप कि उतना खर्चा आएगा। जब 7-8 लाख जब हाई कोर्ट में हमने गवा दिया है यहाँ पे, तो आप एक अपना माइंड सेट कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना खर्चा आएगा। रुपेंद्र त्यागी, स्पेशल बेंच भी होता है, सेकंड बेंच। सर ये डीबी का ही फैसला है, डिवीजन बेंच का ही फैसला ही है, इस पर जो है यहाँ पे कोई भी स्टे नहीं मिलेगा। स्टे इसमें जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही मिलेगा। आप चाहें तो अपने किसी नॉन जो आपके लॉयर होंगे उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हो, वो भी आपको अच्छे से बता देंगे इसमें स्टे यहाँ मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। देखो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे स्टे नहीं मिलेगा, ये हमको जो है लॉयर ने ही सजेस्ट किया हुआ है, सभी ने, किसी एक लॉयर से हमने बात नहीं की, हमने एजी से बात कर ली, हमने जो है अपने सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है राजीव शर्मा जी उनसे भी बात की है, वो भी वैसे तो जाने के लिए तैयार है, SLP डालने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जो है हमेशा यहाँ पे ढीली रहती है। उनको पता है कि 20-25 दिन उन्होंने JBT वालों को घुमाना है, तब तक जो है यहाँ पे वो हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे रिजल्ट भी निकाल देंगे और रूल को भी अमेंड कर देंगे। इसलिए जो भी हमें करना है बहुत सोच समझ के और बहुत जल्दी करना होगा। पहले हमें भी इसमें जो है स्टे के लिए केस करना पड़ेगा, उसमें उसके बाद जो है सरकार भी हमारे केस के साथ इसमें ज्वाइंट होगी। बाकी आप जजमेंट को क्लियरली पढ़े, पूरी जजमेंट पढ़े आप, इतनी इजी जजमेंट है ये, आप सभी को समझ आ जाएगी कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये इसमें पूरा क्लियर किया हुआ है, छोटी सी जजमेंट है, स्टार्टिंग के 15-20 पेज तो इसमें सिर्फ पार्टीज के, इतने सारी पार्टीज बनाई हुई है यहाँ पे अलग अलग वकीलों ने, जो 3 वकील यहाँ पे JBT यूनियन के भी थे, बाकी 10 से 12 वकील आई थिंक BEd वालों के वकील भी थे, तो बहुत सारा जो पार्टीज बनी हुई थी यहाँ पे। राहुल गुप्ता जी, पर यार जगदीश जी आप क्या बात बताने के लिए कह रहे हैं, प्लीज फिर से मैसेज कीजिएगा इसमें। सरकार, नीलम शर्मा जी कह रही है सरकार ने कोर्ट में हमारा पक्ष रखा है, लेकिन अब आफ्टर जजमेंट जयराम जी किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं, फिर भी हमें गवर्नमेंट को साथ लेकर चलना है। बिल्कुल मैम, यही होता है, हाई कोर्ट जजमेंट के बाद जो है सरकार उन्हीं के साथ चलना चाहेगी, जब तक कि हम जो है प्रेशराइज नहीं करते गवर्नमेंट को, हम नहीं अपनी यूनिटी उनको शो नहीं करेंगे, उनके हिसाब से तो उनके हिसाब से जो जजमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमारा इसमें क्या लॉस हो रहा है, इसलिए हमें सभी को साथ लेकर चलना है। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं होने चाहिए कि 4 लोग इसमें कहीं और जा रहे हैं और 4 लोग कहीं और जा रहे हैं। लॉयर के नाकाम में भी सर, अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हम JBT वाले यहाँ पे हारे हैं, अब आप जो मर्जी कह दीजिएगा कि लॉयर की नाकामयाबी रही या मेरी खुद की नाकामयाबी रही या सरकार की नाकामयाबी रही, ये सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें नाकामयाबी रही या नहीं ना रही वो अलग एक अलग बात है, लेकिन अब हारने के बाद जो है सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, वो बाद में उसका मंथन किया जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम रही थी यहाँ पे, लेकिन जहाँ तक हमने कंफर्म किया हुआ है जो राजस्थान जो हाई कोर्ट में वहाँ पे उस रामशरण मौर्य वाली जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको वहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया गया है, इसलिए वहाँ पे जो है सिर्फ NCT का जो नोटिफिकेशन थी उसको चैलेंज किया गया था, जैसे यहाँ पे भी चैलेंज किया गया था नोटिफिकेशन को, लेकिन उसको वहाँ पे जो है रद्द कर दिया गया, यहाँ पे रद्द नहीं किया, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे यहाँ पे जो जजेस थे वो अड़े रहे, बस इसमें यही एक बात है। बाकी इसके अलावा और भी कुछ कोई भी जानकारी होगी वो आपको जो है मैसेज के थ्रू दे दी जाएगी। साथ में जो है 30 नवंबर को, लास्ट में फिर से कह रहा हूँ मैं, 30 नवंबर को जो है 10 बजे सचिवालय के बाहर अवश्य मिले, जो भी नज़दीक के जो है वो ज़्यादा भीड़ में आए, और बाकी जो भी दूर दराज से आएंगे वो भी प्लीज़ वहाँ पे जो है 10 बजे पहुँचे, ताकि हम अपनी यूनिटी वहाँ पे शो कर पाएँ। जय हिंद।